बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याद रखें कि ये प्रोग्राम बनाने का हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन लेकर आए हैं कि जो हर घर में मसला है, जो हर ख़ानदान में मसला है, जो हर जगह में मसला है, क्योंकि हमारी ग़ज़ाएँ ऐसी हैं कि हम कुछ भी खाते हैं हमारे पेट में गैस बन जाती है और फिर गैस इतनी ज़्यादा खारिज होती है कि हम कहीं बैठ नहीं सकते हैं, कहीं मजलिस में नहीं जा सकते हैं। रोज़ाना के हिसाब पर मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, मोटे ताज़ा होते हैं, पेट उनका फूला हुआ होता है, कहते हैं डॉक्टर साहब किसी महफिल में नहीं जा सकते हैं, डर लगती है कहीं हवा खारिज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। तो मैंने सोचा कि आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ एक मेडिसिन शेयर कर लेता हूँ जो मैं अपने क्लिनिक में रोज़ाना लिखता हूँ, रोज़ाना इसके मुझे पेशेंट मिलते हैं। याद रखें कि इस मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये गलत बात है कि होम्योपैथिक में स्टीराइड होता है, बिल्कुल स्टीराइड से पाक है। पूरी दुनिया में ये मेडिसिन मिलती है, ये ऑथेंटिक मेडिसिन है, नाम इसका यही होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी की लेकर जो आपको सबसे सस्ती मिले वो लेकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका गैस का मसला जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपकी गैस थोड़ी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आपके सिस्टम को रेगुलेट करती है और रेगुलेट करके ठीक करती है। तो ये आपकी गैस ज़्यादा बन जाए तो आपने मेडिसिन को बंद नहीं करना है, बल्कि इसको जारी रखना है जब तक आपकी गैस मुस्तकिल तौर पर ठीक नहीं होती है। तो ये लाइकोपोडियम आपने 1 ml लेनी है, ये तो बड़ी बोतल है, आपने 30 ml में ले लेनी है। तो आपने 1 ml लेकर इसको हर 4 दिन के बाद इस्तेमाल करना है, रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना है। इसके 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करें और फिर 4th दिन दोबारा इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे हर 4 दिन के बाद, तो ये मेडिसिन आपको नुकसान नहीं करेगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको, आपके ख़ानदान में, आपके घर में किसी को भी गैस का मसला है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह अज़ीज़ से जवाब हो जाएंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।